आप अगर अरबों के कल्चर की बात करें जो उस वक्त था, तो उधर गाने बजाने भी थे, उधर ये सारे मौसीकी के आलात भी थे, लेकिन जिस वक्त हिजरत करके जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उधर उन्हें वेलकम किया जाता है दफ से, और वो जो प्रॉपर वो तला बदल अलैना वो पूरा जो पढ़ते हैं वो पूरे वो जो पूरी एक नज़म और वो है। तो अब आपको इस्लाम ने, कुछ लोग हैं ना उनके लिए बीमारी है, उनके लिए ड्रिप का काम करता है म्यूज़िक, तो अब आप म्यूज़िक को एकदम अगर छोड़ेंगे तो वो आपकी अपनी जो नेचुरल कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, आपकी अपनी जो साइकोलॉजी है, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिकल पैटर्न में बने हुए हैं, डिज़ाइन है इस चीज़ के लिए। आप जिस चीज़ को सुनेंगे जितना, वो आप आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगी। आप म्यूजिक के लिए बने हुए नहीं हैं, बने हुए नहीं है, नहीं है, और yes, और आप उसे फिर आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस इट विद नशीद्स, देन यू गो फॉर वोकल्स ओनली, देन यू गो फॉर, अगर फिर भी आपका एक है वो टेस्ट है, आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो आप उसके लिए गो फॉर द वोकल्स या शायरी जो अरब करते थे, और उसके लिए यस उसको आप सुने, मुस्लिम बिलाल है, मुस्लिम बिलाल, अहमद बखातिर हैं, बहुत सारे हैं, अपने पाकिस्तानी उर्दू हैं, यानी ये आप लोग नाम नोट कर लें जो सुन रहे हैं, इफ़ यू वांट अ रिप्लेसमेंट ऑफ म्यूजिक, ट्रू, ठीक है, और हलाल, और फिर लेकिन अल्टीमेटली म्यूजिक तो रुकना नहीं है, नहीं रुकना है, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुड नॉट मेक रशीद अ रिप्लेसमेंट फॉर कुरान, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुस्लिम बिलाल को सुने, उमर ईसा को सुने, अहमद बुखातर हैं, अच्छा ये मैंने करके देखा है, मैं बहुत सारी अपने वेसिनिटी में जा रहता हूँ, वहाँ की बड़े बड़े कुछ स्टोर्स हैं, उनसे मेरी गपशप है, इस्लाम दुआ है, मैं जाता हूँ उनसे, इस्लाम दुआ करता हूँ, हंसते मुस्कुराते, मैंने उनको जब ये आइडिया दिया है ना, तो दे नेवर थॉट अबाउट इट बिफोर, दे वॉन्टेड टू प्ले समथिंग इन द बैकग्राउंड, इवन कुछ रेस्टोरेंट्स वाले हैं, मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे थे कि असल में लोग बातें शातें कर रहे होते हैं, तो हमने एक एम्बियंस मेंटेन रखनी होती है, इसलिए हमें कुछ चलाना होता है, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं आपको चलाने से मना नहीं कर रहा, हमने दिया, हाँ हम अल्लाह के बंदे हैं। मेरी व्यापक एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक मैं चाय खाना गया, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं फैमिली के साथ गया हुआ था, मैंने कहा म्यूज़िक बंद करें, तो कहने सर हमारी पॉलिसी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, मैंने कहा अच्छा, मैं काउंटर पर गया, मैंने उनको ब्रो वो उमर ईसा की नशीद प्लेलिस्ट लगा दी, वो चलती रही, एंड इट वाज दे वर रियली हैप्पी, मैं इवन मैं अभी रमज़ान में एक रेस्टोरेंट पर गया, आई वॉन्ट नेम इट, वहाँ पे नशीदें चल रही थी, अच्छा फिर एक दो नशीदें थी जिसमें म्यूज़िक था, मैंने कहा इसको बंद करो और ये वाली निकाल दो, एंड बिजनेस वॉज रनिंग, हर चीज़ चल रही थी, तो अगर रमजान में ये सब बल्कि बेहतर चल रहा होता है, तो रमजान के अलावा तुम क्यों नहीं कर सकते हो यार, क्यों हला हराम इनकम डाल रहे हो? हाँ भाई मैं एग्जैक्टली यही बताने लगा था कि मैंने कितनों को ये बताया, एंड दे ट्राइड इट एंड दे गॉट सेटिस्फाइड, सिर्फ मसला ये लिसनर सुन भी लें कि आप कई दफा सोच रहे होते हैं कि यार मैं और क्या करूँ, ट्राई दीज थिंग्स, दीज नशीद, मुस्लिम बिलाल आप ट्राई करें, उमर ईसा ट्राई करें, अहमद बखातिर या इवन जुनेद जमशेद हैं, अगर आपने उर्दू में सुनना है उनकी ऐसी नशीद जिसमें कोई मसला नहीं, जो है जी जी, और बहुत सारी हैं, क्या बात हो जाएगी जी, और बहुत सारी जी जी, मैं सुनूंगा बिल्कुल जी, आप वो लगाएं, एटलीस्ट आपको अल्लाह की याद आएगी, उसमें ऐसे जुमले आपको सुनने को मिलेंगे जिसमें बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें आती हैं बार बार, ये इवन उमर ईसा की नशीद ऐसे ही है, दुनिया की जो है ना वो जो मैटर चीज कर रही होती है ना, वो लिरिक्स होते हैं जो आपको वो कुछ ना कुछ रिलेट कर रहे होते हैं, इसके ऊपर मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड टू बर्थडे, हां यस, आई वॉज ट्रैवलिंग विद फैमिली टू नॉर्थ, और वहाँ पे जीप थी, तो वी गॉट द जीप, अब जीप के अंदर एक यू एस पी लगी हुई थी सख्त टूटी हुई, और उसके अंदर मेरी पैदाइश से भी पहले के गाने चल रहे थे, अच्छा मैं इतफाक़ से अपना लैपटॉप लेके गया हुआ था, मेरे लैपटॉप में एक प्ले लिस्ट थी, हमारे 1950 से पहले गाने चल रहे थे, 1950 वो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं कहा, मैं अपनी कहा है, इट्स नॉट 1950, चौका छक्का मारा है आशिफ ने, अच्छा तो वो उसके अंदर मेरे पास लैपटॉप था, लैपटॉप के अंदर एक प्लेलिस्ट थी जो हमारे प्राइड ऑफ कोटली सतिया हैदर के सर सत्ती उन्होंने मुझे दी हुई थी, तो मैंने वो उससे यूएसबी मांगी, मैंने कहा मुझे यूएसबी दे, ठीक है उन्होंने दी, अब वो सोच रहा है कुछ कि ये यूएसबी क्यों मांग रहा है, मैंने अपने लैपटॉप पर लगाई, उसका फोल्डर वहीं पर रखा और अपनी सारी प्लेलिस्ट डिलीट नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर उसका क्या क्या कॉन्टेंट पड़ा है, मैंने उधर वहाँ पर रखा, उसके अंदर देख लेते यार, नहीं ये मैं नहीं कर सकता आप कर तो लेते हैं आप तो नहीं अच्छा तो वो मैंने उसके अंदर सारा कंटेंट ट्रांसफ़र किया, उसे मैंने कहा ये लगा दे, और उसके एक्सप्रेशंस ना थोड़े नॉर्मल थे स्टार्ट में, उसके बाद जिस वक्त थोड़ी इंग्लिश वाली कुछ नशीदें आई ना, मुस्लिम बिलाल की एक है वो ट्रैवलर वाली जो अक्सर हमारी भी बैकग्राउंड में चल रही, वो जब शुरू हुई ना थोड़ी इंग्लिश वाली, तो उसने ना थोड़ा सा यूं करके मुझे पीछे मुड़ के देखा, बंदा मौलवी है, बंदा मौलवी है, सुन इंग्लिश के गाने ना, ये मुझे घर वालों ने कहा,
मैं कहा वो जो मर्जी सोचता था, मैं तो नहीं सुन रहा गाने। तो यस ये भी होता है, आपके पास बड़े डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मतलब है कि दे आर रियली गुड अल्टरनेटिव्स। यानी कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं जरा डिफरेंट एम्बियंस चाहता हूँ, मैं देसी नहीं लगाना चाहता, तो इंग्लिश में भी नशीद।